तो देश का मूड मीटर की शुरुआत आज उस वीडियो से जो सवाल उठा रहा है कि नए वक्फ बिल के विरोध के नाम पर क्या अब देश का माहौल खराब करने की तैयारी है। हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैदराबाद का है, जिसे एक कट्टरपंथी गैंग वायरल करने में जुटा हुआ है। QR कोड की मुहिम के नाम पर कैसे अराजकता पैदा की जा रही है और कैसे सरेआम पुलिस वालों को धमकाया जा रहा है, एक बार पहले जरा इसे देखिए। मेहनत कर रहे हैं, अरे हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, किसी का पाप नहीं देना हमको रोकने के लिए, हमको परमिशन होना, अरे हमको परमिशन होना, हम खुदा की हक की इबादत करने के लिए, हम खुदा की इबादत करने के लिए, हम मुसलमानों की इबादत करने के लिए, हमको रोकते तो तेवर देखा आपने, वक्फ की हिफाजत के लिए परमिशन की क्या जरूरत है, किसी का बाप हमको नहीं रोक सकता। पिछले कुछ दिनों में नए वक्फ बिल को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। आतंकी जाकिर नायक से लेकर और ओवैसी तक सबने मिलकर जिस चालाकी से हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये डर बिठाने की कोशिश की है, ये उसी का नतीजा है। अगर नया वक्फ बिल कानून बन गया तो सरकार मुसलमानों से उनका घर छीन लेगी, मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा और वक्फ की सारी संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, यानी कितनी बातें कही गई। खतरनाक बात तो यह है कि इस झूठ को नाबालिग बच्चों के दिमाग में भी भरा जा रहा है, उन्हें नए वक्फ बिल के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों ऐसे वीडियो वायरल हैं जो बता रहा है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को QR कोड अभियान के लिए सड़क पर उतार दिया गया है। नए वक्फ बिल पर संयुक्त जो संसदीय दल की बैठक है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कट्टरपंथी जमात की सांसें फूल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नया वक्फ बिल किसी भी शक्ल में आ गया तो उनकी चालाकियां, उनकी कारगुजारियां सब खुलकर सामने आ जाएंगी। पता चल जाएगा कि वक्फ की जमीनों के नाम पर किस बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे रेलवे से लेकर और पंचायत स्तर तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। पता चल जाएगा कि कैसे वक्फ के नाम पर हिंदुओं के गांव, उनकी संपत्ति और मंदिरों तक पर कब्जा, जबरन कब्जा किया जा रहा है। यह खेल भी खुल जाएगा कि कैसे वक्फ की अरबों खरबों की संपत्तियां मुस्लिम तबके के ताकतवर सफेद पोशों की निजी संपत्ति बनकर रह गई, जबकि उनका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए होना था। ओवैसी नए वक्फ बिल के विरोध में क्या क्या दलीलें दे रहे हैं, एक बार आपको फिर से सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 122,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 112,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है, और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, सवों साल से है, मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 112,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। और ओवैसी जिस वक्फ बाय यूजर की बात कर रहे हैं वो मौजूदा वक्फ एक्ट का सबसे खतरनाक प्रावधान है। वक्फ बाय यूजर वक्फ बोर्ड को इस बात की ताकत देता है, इस बात का अधिकार देता है कि अगर किसी भी जमीन को, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की हो, किसी की निजी संपत्ति हो, अगर कुछ मुसलमान इस बात को खड़े होकर कह देते हैं कि ये जमीन हमारे दादा परदादा ने इसे नमाज के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और इस पर मुसलमानों के धार्मिक आयोजन होते रहे हैं या किसी और तरीके से इस्लामिक आयोजनों के लिए उसका इस्तेमाल होता रहा है, तो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और उस पर वक्फ का कब्जा हो जाएगा। और मजेदार बात तो ये कि उस कब्जे को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्राइब्यूनल में फैसला आपके खिलाफ आ गया तो ना आप उसे हाई कोर्ट में चुनौती दे पाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट। तो वक्फ बाय यूजर जिसकी की अभी वकालत कर रहे थे ओवैसी, आपने सुना, वो असल में कितना एकतरफा कानून है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए।
नए वक्फ बिल का विरोध करने वाले इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं बताते कि अगर सब सही है तो हिंदुस्तान की अदालतों में वक्फ से जुड़े 95,000 केस क्यों पेंडिंग हैं? वो क्यों नहीं चाहते कि वक्फ की संपत्तियों का सही सही ब्यौरा देश के सामने आए? वो क्यों नहीं चाहते कि वक्फ की संपत्तियों से हुई आमदनी कहां खर्च हुई इसका पता देश के मुसलमानों को भी लगे? अगर देश भर के वक्फ बोर्ड के पास अरबों खरबों की जमीन है तो वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी सिर्फ 200 करोड़ रुपया क्यों बताता है? लेकिन इन सवालों के जवाब में मुसलमानों को बरगलाने का खेल खुलकर चल रहा है। इन सब के जवाब में बस इतना कहा जा रहा है कि वक्फ अल्लाह की संपत्ति है और नया वक्फ बिल संविधान के खिलाफ। वो संविधान के खिलाफ कैसे है इसको लेकर कोई बात नहीं। इस नैरेटिव के हवाले से नए मुस्लिम तबके को गोलबंद करने का एक प्रपंच रचा गया है। और कैसे कैसे रचा गया है वो आपको पता ही है। पहले तो एक QR कोड अभियान शुरू किया गया और इस QR कोड को शुरू करने के पीछे यह था कि सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो नया जो वक्फ बिल लेकर आ रही है, जो नया कानून वक्फ को लेकर ले आ रही है, वो उस पर रुक जाए, उस पर आगे न बढ़े। सरकार को ये मैसेज चला जाए कि देश का के सारे मुसलमान इस नए कानून के खिलाफ। इसके लिए QR कोड का एक अभियान शुरू किया गया, यानी कि आपको अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करना है और आपका पहले से ड्राफ्ट किया हुआ मेल आपके मेल ID से सरकार के पास चला जाएगा और यह दर्ज हो जाएगा कि एक और मुसलमान ने इसका विरोध कर दिया। उसके बाद इसके विरोध में नाबालिगों को प्रचार में लगा दिया गया। हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई, वो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, इसलिए हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। लेकिन वो नाबालिग बच्चे कह रहे हैं कि हमारी खानकाहें छिन जाएंगी, हमारे मदरसे छिन जाएंगे, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, आप सब लोग मिलकर इसको बचाने में जुटिए और इसका विरोध करिए। आप सोचिए। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को मोर्चे पर लगाया गया, फिर जो आपने देखा ओवैसी से लेकर के और कैसे जाकिर नायक तक के, तमाम मौलाना से लेकर के और आतंकी तक, सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। और अब सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही। तो ये सारा खेल नया वक्फ बिल के विरोध में किया जा रहा है। नया वक्फ बिल कट्टरपंथी गैंग को कबूल नहीं, इसलिए इसके विरोध में QR कोड से लेकर और तमाम तरह का की चीजें की जा रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 31 अगस्त को इस मुहिम की शुरुआत की और बोर्ड ने दावा किया कि नए बिल के विरोध में करीब 6 करोड़ ईमेल भेजे गए। जवाब में हिंदू समुदाय ने नए वक्फ बिल के समर्थन में QR कोड की मुहिम चलाई, जो हैदराबाद से लेकर और मुंबई तक गणपति पंडालों पर दिखा। इन दावों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नए वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति को 15 सितंबर की आधी रात तक 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए मिले, जबकि लिखित सुझाव 70 बॉक्स के माध्यम से उनको मिले। समिति ने यह भी साफ किया है कि उनकी तरफ से कोई QR कोड नहीं जारी किया गया। कुल मिलाकर गेंद अब संयुक्त संसदीय समिति के पाले में दिख रही है और एक बार संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश आ जाती है उसके बाद सरकार स्वतंत्र है कि इसको लोकसभा में पेश कराया जाए, इसको दोनों सदनों से पास कराकर और इसे कानून का रूप दिया जाए। नए वक्फ बिल के विरोध में कट्टरपंथी प्रपंच क्या कामयाब हो पाएगा, इसका जवाब अब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। वो डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक है। चौंकाने वाली बात है कि पिछले 15 सालों में वक्फ बोर्ड की जमीनें 2 गुनी हो गई। यह अलग बात है कि इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर इतनी जल्दी 15 साल के भीतर ये जमीनें 2 गुने कैसे हो गई। क्या पिछले 15 सालों में वक्फ को इतनी जमीनें दान में मिली या कब्जा किया गया? आखिर इन जमीनों का पूरा हिसाब किताब पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? अगर ओवैसी कह रहे थे कि 200 साल 500 साल से जहां मस्जिदें हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सवाल तो इस बात को लेकर है कि पिछले 15 साल में जमीनें दो गुनी कैसे हो गई। अगर 15 सालों में हुई है, हो सकता है कि 100-200 साल पुरानी मस्जिद का कोई रिकॉर्ड ना हो, लेकिन अगर 15 साल पहले कोई अगर वक्फ की संपत्ति हुई है तो उसका तो हिसाब होना चाहिए ना, लेकिन उसका भी हिसाब नहीं।
इसका जवाब तलाशने में जुटेंगे तो आपके सामने सवाल उठ खड़ा होगा कि क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। इन्हीं सवालों के जवाब आपको नए वक्फ बोर्ड के विरोध की असली वजह भी बता देंगे। 2013 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में हुए वक्फ कानून में संशोधन वाली बात भी आपको पता लगेगी, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति छीनने की का असीमित अधिकार दे दिया गया, जिसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार का नया वक्फ बिल कट्टरपंथी गैंग को इसलिए कबूल नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड में सुधार की वकालत करता है, उसमें पारदर्शिता लाने की हिमायत करता है। तुष्टिकरण के चक्कर में वक्फ बोर्ड को दिए गए बेलगाम अधिकारों को कानून और संविधान के दायरे में लाने की बात करता है। वक्फ बोर्ड में आम मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझना होगा।